अस्सलाम वालेकुम तलहा की YouTube फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन चनियोटी कुन्ना हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और पाए के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो आपको इस मटन चनियोटी कुन्ना में दोनों फ्लेवर आएंगे, यानी कि कुन्ना का और पाए का। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा एंड तक, किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ किचन में चलते हैं और मिलके जानते हैं कि ज़बरदस्त सा मटन चनियोटी कुन्ना कैसे तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ कुन्ने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है पाए को बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर में और गला लेंगे इसको। इसमें हम चंद एक मसाले डालेंगे, पाए डाल दिए, तेज़पात का एक पत्ता डाला है मैंने, बड़ी इलायची, दालचीनी, दो तीन लौंग, दो तीन काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी, अदरक लहसुन। और इसमें ये चार पाए हैं मटन के, तो हम इसमें छः मतलब 1.5 लीटर पानी डालेंगे। हमने सारे मसाले मिला दिए और अब इसको हम प्रेशर कुकर को बंद करके चढ़ाएंगे इसको। और फिर उसके बाद ये जैसे इसकी सीटी आती है उसके बाद इसको आधे से पौना घंटा, क्योंकि पाए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो पौना घंटा इस बाद इसके बंद करके फिर इस दिखाते हैं आपको। जी, तो पाए जो हमने चढ़ाए थे प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए, गलाने के लिए, वो बहुत अच्छे से जो है वो तकरीबन हमने पौना घंटा उनको जो है वो प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था और वो बहुत अच्छे से जो है वो अब गल गए। थोड़ी देर बाद हम जो है वो उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, उसको खोल के हम आपको दिखाएंगे। तब तक जो है वो हम कुन्ने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए जो हमने अज्जा यहाँ पर लिए हुए हैं, ये हमारे पास गोश्त है, हमारे पास जो है वो मटन लिया हुआ है हमने, तकरीबन 1.25 किलो ये मटन है। और इसी के साथ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल होगा। घी है हमारे पास, तकरीबन जो है वो 1/2 कप घी इस्तेमाल होगा। ये 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको चॉप कर लिया था। साथ ही में ये जो आटा है, ये आटा तकरीबन 6 टेबलस्पून है, ये वाला जो टेबलस्पून है इसी को इस्तेमाल किया, इसे 6 भर के आप ले लीजिएगा। साथ ही में 1 पाव दही है, यानी कि 250 ग्राम, और कुछ हमारे पास जो है वो साबुत गर्म मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे, वही जो हमने पाए में यूज़ किए थे, जब हम आपको डालेंगे तब आप बता देंगे। साथ ही में यहाँ पर जो है शाहजीरा है, ये ऊपर से शामिल होगा। ये जो है वो हमारे पास पिसा हुआ गर्म मसाला है, ये जो है वो जायफल जावित्री का पाउडर है, और साथ ही में देगी लाल मिर्च है, और कुछ हमारे पास पिसे गर्म मसाले इस्तेमाल होंगे, वो भी हम आपको जब कुन्ने में शामिल करेंगे तब बता देंगे। इसको आप मट्टी की हांडी में तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो असल मटन चनियोटी कुन्ना होता है वो हांडी में ही तैयार होता है। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखिए हमने हांडी गरम कर ली है और इसमें घी डाल रहे हैं, क्योंकि कुन्ने का असल मज़ा जो है ना वो हांडी और घी में ही आता है सही का। अब ये थोड़ा सा गरम होता है, इसमें हम 2-4 गरम मसाले डालते हैं। ये 2 इलायची डाल दी, 4 लौंग, दालचीनी, 2-4 काली मिर्च और एक ये काली इलायची, अब और एक तेज़पात। अब इसको थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं, फिर इसमें प्याज शामिल करते हैं। देखें अभी हमारे गरम मसाले थोड़े से गरम हो गए, तड़क गए, तो इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे और फिर उसमें आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज हो गई है, अब इसमें हम मटन शामिल कर लें। ये भुनाई असल है इस वक्त ना गोश्त के। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, इसके साथ भुनेंगे इसको। इसके बाद फिर सारे मसाले शामिल, क्योंकि भुनाई ज़्यादा करनी है इसकी हमें। अभी हम इसको भूनते हैं फिर मसाले डालते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मसाले शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले हल्दी है 1/4 टीस्पून, क्योंकि हल्दी हमने उसमें बॉईल करते हुए भी डाली थी इसलिए हम कम डालेंगे। इसमें जीरा पाउडर है, ये शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। साथ ही में धनिया पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून शामिल हो रहा है। लाल मिर्च पाउडर, ये भी तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून के आसपास है। और ये देगी लाल मिर्च है, ये देगी लाल मिर्च है, तकरीबन 1.5 टीस्पून है।
और साथ ही में नमक हम इस पॉइंट पर शामिल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। हमने तकरीबन जो है वो एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम शामिल किया इस वक्त, फिर अगर हमें लगेगा तो हम और शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पर हमने थोड़ी सी यखनी भी इसके अंदर शामिल कर ली है। या आप देख सकते हैं कि यखनी को जो है वो हमने स्ट्रेन कर लिया था, छान लिया था, जो पाए हमारे बॉईल किए थे ये उसका स्टॉक है, और इसी स्टॉक में इस पूरे कुन्ने को हम जो है वो कुक करेंगे। कोई अलग पानी आप शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसका सारा टेस्ट शामिल है पायों का, और इसी यखनी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपने शामिल। और बाजारी कुन्ने में ये इसी तरह यूज़ होता है, जब भी बाजारी कुन्नों का टेस्ट और एक अलग सी जो खुशबू आती है वो इस यखनी की वजह से ही आती है पायों की। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं जो गोश्त शामिल किया था, अब ये तेल ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छे से इसकी जो है वो भुनाई कर लिया। अब इस पॉइंट पे जो है वो हम ये एक लीटर यखनी है, ये जितनी यखनी आपने जो है वो जितना पानी शामिल किया था पाई के अंदर वो तमाम स्टॉक जो है वो अब आप इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ शामिल कर देंगे और अपने गोश्त को इसमें गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन एक घंटे के लिए। अब एक घंटे के लिए गोश्त इसमें गलेगा और पाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाए जो है वो हमने निकाल लिए थे प्रेशर कुकर से, अभी इनमें जो है वो तकरीबन 25% कसर और रहती है। अब जो है वो हम इसको शामिल करेंगे पायों को जब हमारा गोश्त 75% डन हो जाएगा, तो हम पाए इस पॉइंट इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन हमें बर्तन क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, या हांडी हमारी थोड़ी छोटी है, लेकिन कुन्ना जो मैंने आपको बताया था कि बनता जो है वो इसी हांडी में, तो इसके फ्लेवर रिलीज़ करने के लिए हम इसको गलने गोश्त को गलने के लिए इसी हांडी में छोड़ेंगे, फिर जब हम पाए शामिल करेंगे तब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए, अब ये गोश्त अब तक गलता है और साथ ही में जो है वो अब हम इसमें ये दही भी शामिल कर रहे हैं, जो कि एक पाव के करीब दही थी हमारी। ठीक है जी, ये गोश्त इसमें बॉईल आता है हमारे स्टॉक में, उसके बाद हम इसको ढक के चूल्हा हल्का करके छोड़ देंगे। ठीक है जी, अब इसको जो है वो हमने ढक के छोड़ दिया, अब इसको एक ये देखें आपके बॉईल आना शुरू हो गया, आंडी जो है वो काफ़ी जल्दी अपना काम करती है, तो ये बॉईल आ रहा है। अब इसको जो है वो गोश्त को हम गलने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन एक घंटा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है वो आपको बताया था कि वो हांडी छोटी थी, तो उसको जो है वो हमने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर लिया था और पाए भी इसके अंदर शामिल कर लिए थे जब हमारा गोश्त जो है वो 75% तकरीबन डन हो गया था। अब आप गोश्त को देख सकते हैं, अब ये अच्छा खासा जो है वो माशाल्लाह से कुक हो गया, एक से डेढ़ घंटा, पाए भी शामिल कर दिए थे इसमें जो है वो, और अब आप गोश्त की कंडीशन आपको दिखा देते हैं कि ये देखें माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल जो है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, और अब जो है वो ये तेल आप देख सकते हैं कि जो घी हमने इसमें शुरू में शामिल किया था वो घी इसमें जो है वो ऊपर आ गया। तो अब आटा शामिल करने से पहले इस तिरन को जो है वो हम उतार लेंगे अपने पास। अच्छा, अब ये तरन जो है वो हमने उतार ली थी, अब इसके अंदर जो है वो ये स्लरी शामिल करें, जो आटे का और पानी का एक घोल बनाया था मिक्सचर, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और इसको फ़ौरन से जो है वो आपने मिक्स करना होता है, वरना जो है वो आटे की गुठलियाँ बनने का डर होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि आटा जो है वो इसमें शामिल कर दिया था, और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी ये देख लें कि जो है वो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी का हमारा कुन्ना जो है वो हो गया। अभी जितना अच्छा कुक होगा ये और थिक होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो इसमें ये गरम मसाला पाउडर हम इसमें एंड में शामिल कर रहे हैं, साथ ही में जायफल जावित्री का पाउडर है ये शामिल कर रहे हैं, और ये शाह ज़ीरा है यानी कि कैरेवे सीड्स, ये इसमें थोड़ा सा मसल के शामिल कर रहे हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये माशाल्लाह से कुन्ना तैयार है। इसको थोड़ी देर अब जो है वो हम ढक के रखेंगे दम पे, ताकि आटा जो है वो अच्छे से पक जाए, अगर आटा पका हुआ नहीं होता तो कुन्ना खट्टा हो जाता है। अब इसको जो है वो ढक के हम थोड़ी देर छोड़ रहे हैं दम पे, और इसके बाद हम आपको इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। चले जी, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है वो इसको थोड़ी देर दम पे रख दिया था, और अब जो है वो इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा कुन्ना बिल्कुल तैयार है, और अब जो है वो हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन चनियोटी कुन्ना तैयार है, और इसमें जो है वो आपको पाए का भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। आप ये देख सकते हैं कि पाया भी आपको नज़र आ रहा है। अब जो है वो बस इसके ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे, ये जो भी खटास होती है हम इसमें ऊपर से शामिल करते हैं, तो ये थोड़ा सा लीमू का जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया, साथ ही में मेरे पास ये थोड़े से हरा धनिया है, ये मैं इसमें ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगा, साथ ही में ये जो जूलियन कटी हुई बारीक अदरक है ये इसमें ऊपर से शामिल होती है, और साथ ही में हरी मिर्चें हैं जो कि हल्की सी हमने चॉप कर ली हैं, ये हम इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन चनियोटी कुन्ना तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और इसी तरह की यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तलहा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने